नमस्कार, मैं दीक्षा बिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर योग विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह है घेरण संहिता में वर्णित षटकर्मों के अंतर्गत धौती क्रिया का वर्णन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हठयोगी ग्रंथों में षटकर्मों का अपना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसी क्रम में हम आज के इस लेक्चर में प्रमुख हठयोगी ग्रंथ घेरण संहिता के अंतर्गत षटकर्मों में जो धौती क्रिया का वर्णन बताया गया है उसके विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं घेरण संहिता के अनुसार षटकर्मों का वर्णन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घेरण संहिता में षटकर्म यानी कि छह विशिष्ट कर्म का वर्णन किया गया है, जिनके अभ्यास से शारीरिक शुद्धि यानी कि आंतरिक शुद्धि की जाती है। तो इसी क्रम में जानते हैं धौती क्रिया के विषय में। धौती अर्थात, धौती का सामान्य अर्थ हुआ धोना। धौती अर्थात धोना यानी कि आंतरिक अंगों को धोना। धौती क्रिया के अंतर्गत चार मुख्य भेद बताए गए हैं, जिसमें अंतर्धौती, दंतधौती, हृदय धौती तथा मूल शोधन। इन चार भेदों के अंतर्गत भी इनके अपने विशिष्ट भेद बताए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम अंतर्धौती के विषय में जानेंगे। अंतर्धौती यानी कि अंत का अर्थ हुआ आंतरिक या फिर भीतरी, तथा धौती का अर्थ हुआ धोना या फिर सफाई करना। तो ऐसी एक विशिष्ट क्रिया जिसमें शरीर के भीतरी अंगों की सफाई की जाती है वह अंतर्धौती कहलाती है। अंतर्धौती के मुख्यतः चार भेद बताए गए हैं, जिसमें वातसार अंतर्धौती, वारिसार अंतर्धौती जिसे संक प्रक्षालन के नाम से भी जाना जाता है, तथा तीसरी बहिसार या फिर अग्निसार अंतर्धौती, तथा चौथी बहिष्कृत व जिसको हम महाधौती के नाम से भी जानते हैं या फिर जिसको महाधौती की संज्ञा दी गई है। तो बात जानते हैं वातसार अंतर्धौती के विषय में। वातसार का सामान्य अर्थ, वातसार वात अर्थात वायु और सार अर्थात तत्व, अर्थात वायु के द्वारा अंतःकरण की सफाई करना ही वातसार अंतर्धौती कहलाता है। अब इसकी विधि क्या बताई गई है कि किस प्रकार आप इस क्रिया को करेंगे? तो महर्षि घेरण कहते हैं कि कौवे की चोंच के समान दोनों होठों को करते हुए धीरे धीरे वायु का पान करना है। जब पूर्णता रूप से वायु का पान कर लेने पर पेट में उसका परिचालन कर उस वायु को नासिका मार्ग से आपको बाहर निकाल देना है। तो यह हुई वातसार अंतर्धौती, अर्थात वायु के द्वारा अंतःकरण को धोना या फिर उसकी सफाई करना। अब इस क्रिया का लाभ क्या बताया गया है? लाभ में वह कहते हैं कि इस क्रिया के अभ्यास से शरीर निर्मल होता है। यह क्रिया कफ दोष को दूर करती है, सभी रोगों को नष्ट करती है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है, तथा शरीर में व्याप्त जठराग्नि को भी प्रदीप्त करती है। और इस क्रिया को करने से पूर्व क्या क्या सावधानियां साधक को रखनी चाहिए उसके विषय में वह कहते हैं कि यह क्रिया खाली पेट ही करनी होती है। बहुत अधिक वृद्ध व्यक्ति या फिर कमजोर व्यक्ति इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर जिनका पेट का किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस स्थिति में आपको इस अभ्यास को नहीं करना है। इसके अलावा जानते हैं वारिसार अंतर्धौती के विषय में। वारी का पर्यायवाची है जल, तथा सार का तत्व अर्थ है तत्व, अर्थात जल तत्व के द्वारा पेट की सफाई, यानी कि जल तत्व के द्वारा पेट की सफाई की क्रिया वारिसार अंतर्धौती कहलाती है। तो इस क्रिया की विधि क्या है, किस प्रकार उन्होंने इसका वर्णन किया है उसके विषय में महर्षि घेरण कहते हैं कि सर्वप्रथम 2 से 3 गिलास गुनगुना नमकीन पानी साधक को पीना है। उसके बाद उन्होंने 5 प्रकार के आसन बताए हैं, जिसमें वह कहते हैं ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन एवं उद्राकर्षण। यह निम्न 5 प्रकार के आसन बताए गए हैं, जिनको क्रम से 5-5 बार साधक को करना है। फिर पुनः 2 से 3 गिलास पानी पीकर उपरोक्त आसनों को करना है। उसके बाद उदर को चलाते हुए जल को अधोमार्ग से
निष्कासित कर देना है। इसी क्रिया को वर्तमान समय में शंख प्रक्षालन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रिया के लाभ स्वरूप का वर्णन करते हैं कि इस क्रिया के समस्त अभ्यास से समस्त पाचन तंत्र की सफाई होती है, शरीर में व्याप्त समस्त मल या फिर अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वह अधोमार्ग से निकल जाते हैं, योगी दिव्य देह वाला हो जाता है, कांतिमान हो जाता है और ओजस्वी हो जाता है। यह मोटापे को भी कम करता है और इससे शरीर बहुत हल्का हो जाता है। इसकी सावधानी में विशेष रूप से वह कहते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको यह अभ्यास नमकीन पानी के साथ नहीं करवाना चाहिए, बल्कि अगर उन्हें यह अभ्यास करवाना है तो सौंफ के पानी के साथ उचित मार्गदर्शन में ही उनको यह अभ्यास करवाना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर हार्निया से पीड़ित व्यक्ति को भी इस अभ्यास को नहीं करना है। वह इससे इसके इस अभ्यास से के बाद व इसके पहले दिन आप साधक को रसाहार या फिर पतली खिचड़ी का ही सेवन करना चाहिए और इस दौरान साधक को दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस क्रिया के फलस्वरूप हमारा जो पेट है या जो हमारा आमाशय है वह बिल्कुल एक नवजात शिशु के समान हो जाता है, यानी पेट से समस्त गंदगी बाहर निकल जाती है और पेट बहुत ही नाजुक हो जाता है। तो इस अवस्था में हमें अपने खान पान का या पथ्य अपथ्य आहार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जानते हैं अग्निसार अंतःधौति के विषय में। अग्नि का अर्थ हम सभी जानते हैं और सार का अर्थ हुआ तत्व, यानी कि अग्निसार से तात्पर्य यह हुआ कि जिस क्रिया के द्वारा पाचन शक्ति को बढ़ाया जाए या फिर जठराग्नि को प्रदीप्त किया जाए वह क्रिया अग्निसार अंतःधौति कहलाती है। यानी कि इसकी विधि के विषय में जानते हैं। पूरी श्वास को सर्वप्रथम आपको बाहर निकाल देना है, उसके बाद श्वास को बाहर ही रोक कर, यानी कि आपको अपनी श्वास को बाहर होल्ड करना है, उसके बाद अपने पेट को जल्दी जल्दी अंदर और बाहर की तरफ करना है। आपकी श्वास बाहर ही होल्ड पे रहेगी और इसी क्रम में आपको अपने पेट को अंदर बाहर करना है और प्रयास यह करना है कि आपका जो नाभि है वह आपके पीठ यानी कि मेरु को स्पर्श कर सके, इतने अंदर आपको अपने पेट को अंदर और बाहर की तरफ करना है और कुछ पल आराम करने के बाद इस क्रिया को पुनः दोहराना है। इस क्रिया के अभ्यास से पाचन संबंधी समस्त विकारों को का नष्ट होता है, उदरगत मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त कर पाचक रसों को नियंत्रित करता है और इसके साथ साथ मानसिक रोग अवसाद की अंतर्मुखी अवस्था में भी यह बहुत लाभकारी अभ्यास माना गया है। अब इसकी सावधानी के विषय में वह कहते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ साथ अल्सर, हार्निया और दमा के रोगियों को के लिए भी यह अभ्यास पूर्ण रूप से वर्जित है, क्योंकि इस अभ्यास के द्वारा आपके पेट की मांसपेशियों पे प्रेशर पड़ता है। तो इस स्थिति में आपको इन समस्त रोगियों को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अगला है बहिष्कृत अंतःधौति, जिसे महाधौति की संज्ञा दी गई है। इस धौति के विषय में वह कहते हैं कि इस क्रिया में कौवे की चोंच के समान ही वायु को मुंह से पीना है, यानी कि वायु का पान करते हुए उसे अपने पेट में रखना है और कुछ समय रखने के पश्चात अधोमार्ग से बाहर निकालना है। इससे पूर्व हमने वात्सार अंतःधौति के विषय में जाना था, जिसकी क्रिया भी सेम बहिष्कृत अंतःधौति के समान ही थी, परंतु इन दोनों में विशिष्ट अंतर यह है कि उसमें आपको वायु को नासिका मार्ग से निष्कासित करना होता है, जबकि बहिष्कृत अंतःधौति में आपको इसे 1.5 घंटा कम से कम अपने पेट में रखते हुए अधोमार्ग से निष्कासित करना होता है। इसी कारण से इसे महाधौति की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि सामान्य साधक या फिर सामान्य व्यक्ति इस धौति का अभ्यास नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति का श्वासों पर नियंत्रण हो या फिर जो व्यक्ति अपनी श्वास को रोकने में 1 घंटे में रोकने में सहायक हो या फिर उस अभ्यास को सरलता से कर सकता हो, उसे ही इस अभ्यास को करना चाहिए। इसके लाभ के विषय में वह कहते हैं कि उदरगत समस्त विकार दूर होते हैं, शरीर हल्का कांतिमान हो जाता है और प्रजनन संस्थान को यह
मजबूत बनाता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार की धोती जो दंतमूल धोती है उसके भी चार प्रकारों का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें दंतमूल है, जीवामूल है, कर्णरंध्र है और कपालरंध्र। यानी कि दंतमूल धोती के विषय में जानते हैं, दंत अर्थात दांत और मूल अर्थात जड़, यानी कि दांत के मूल भाग की सफाई करना ही दंतमूल धोती कही जाती है। महर्षि हिरण्य कहते हैं कि जब तक मैल ना छूटे तब तक खादिर अर्थात कथा, यानी खादिर के रस से या फिर विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों को मांजना चाहिए, जिससे हमारे मसूड़े जो है मजबूत बनते हैं और दांतों से संबंधित जो समस्त रोग होते हैं उनसे निजात मिलती है। यह क्रिया अत्यंत लाभकारी बताई और महत्वपूर्ण व लाभकारी बताई गई है। इससे हमारे मसूड़े स्वस्थ व मजबूत बनते हैं व दांतों से संबंधित जो समस्त रोग हैं, जैसे दांतों में कीड़ा लगना या फिर पाइलिया की शिकायत होना, समस्त रोग निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। सावधानी के विषय में वह कहते हैं कि इस धोती का अभ्यास करने से पूर्व ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मसूड़ों की मसाज कर रहे हो तो मिट्टी में कंकड़ और पत्थर आदि ना हो, अन्यथा आपका मुंह छिल सकता है। इसके अलावा जीवामूल की बात करते हैं। जीवामूल धोती के विषय में वो कहते हैं कि तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीन उंगलियों को मिलाकर कंठ में डालते हुए जीवा की जड़ को स्वच्छ करना चाहिए। इसके लाभ के विषय में कहते हैं कि गला व श्वास नली में जो एकत्र हुआ कफ है वह इसके अभ्यास से बाहर निकल जाता है और इस क्रिया को करने से जीभ भी लंबी हो जाती है, जो खिचड़ी की सिद्धि में सहायक है। और इसके अलावा लंबी जीभ एक अच्छा वक्ता होने की भी पहचान कही जाती है। इसकी सावधानी में वह कहते हैं कि जीवामूल का अभ्यास करने से पहले ध्यान रखें कि आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए। अगली बात करते हैं कर्णरंध्र धोती की, जिसमें वह कहते हैं, जिसमें उन्होंने कर्णरंध्र के दो भागों का वर्णन किया है, यानी कि बायां और दायां, यानी कि दंत धोती के अंतर्गत पांच भेद बताए गए हैं। तर्जनी व अनामिका को मिलाकर योगी जन दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करते हुए इस करना चाहिए और इस विधि के नित्य अभ्यास से नाद की अनुभूति भी बताई गई है। इसके लाभ के विषय में वह कहते हैं कि इसके अभ्यास से हमारे कानों में जो म्यूकस नामक जो पदार्थ जम जाता है या विषाक्त जो तत्व होता है उसको बाहर निकलने के लिए यह बेहद ही लाभकारी है। नेक्स्ट है कपालरंध्र अंतः धोती। कपाल अर्थात सिर के ऊपर वाला भाग और धोती यानी कि इसको धोना, यानी कि इस धोती में आपके हाथ की कपनुमा आकृति बनाते हुए ठंडे पानी से कपाल को थपथपाते हैं, इसीलिए इसे कपालरंध्र अंतधोती कहा गया है। इसके अभ्यास से उच्च रक्तचाप यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर और आंखों के लिए विशेष लाभकारी यह क्रिया बताई गई है। मस्तिष्क को विशेष रूप से ठंडक पहुंचाती है तथा मोतियाबिंद में भी यह लाभकारी अभ्यास माना गया है। इसके अलावा वह कहते हैं कि कपालरंध्र धोती का अभ्यास सर्दियों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा साधक को सर्दी जुखाम होने की संभावना रहती है और दमाग के जो रोगी हैं उनको विशेष निर्देशन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की धोती, यानी कि अर्धहृदय धोती, जिसके तीन प्रकार का वर्णन वह करते हैं, जिसमें दंड धोती, वमन धोती व वस्त्र धोती का वर्णन किया गया है। दंड धोती के विषय में वह कहते हैं कि वैसे तो परंपरागत रूप से उन्होंने वर्णन किया है कि दंड धोती के लिए केले के डंडे या फिर हल्दी के मृदु भाग का उपयोग करना चाहिए, परंतु आधुनिक समय में रबर के दंड भी बाजार में उपलब्ध रहते हैं, तो परंतु इस दंड को प्रयोग करने से पहले आपको इस दंड को अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए, उसके बाद ही इसको उपयोग में लाना चाहिए। जिस भी दंड का आप प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वह हल्दी या फिर केले का हो या फिर बाजार में उपलब्ध रबड़ का दंड हो, सर्वप्रथम 4 से 5 गिलास नमकीन गुनगुना जल आपको पीना है। उसके बाद धीरे धीरे उस रबर को या फिर उस दंड को अपने मुंह को खोलते हुए आमाशय तक आपको लेके जाना है। फिर थोड़ा सा आगे झुकते हुए जल दंड के अगले छोर तक आपका आने लगेगा
और इसके बाद उस दंड की सहायता से जो भी आपका कफ पित्त श्लेष्मा या जो भी आपको निकल रहा है उसको बाहर थूक देना है। तो इसके अभ्यास से कफ पित्त क्लेद का निष्कासन होता है, अम्ल पित्त दमा के अभ्यास में विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास बताया गया है, फेफड़े की क्षमता बढ़ती है और इसके साथ साथ हृदय रोग में भी यह लाभकारी अभ्यास है। परंतु इसके विषय में वह कहते हैं कि किसी योग शिक्षक की देखरेख में ही आपको इस अभ्यास को करना है, स्वयं से आपको इसको अभ्यास को नहीं करना है। अगले धौती के विषय में हम जानते हैं तो वह है वमन धौती। वमन का वर्णन वस्तुतः दो प्रकार से किया गया है, यानी कि जो एक वर्ण एक प्रकार है जो खाली पेट किया जाता है जिसको कुंजन क्रिया का नाम दिया गया है, और इसका दूसरा प्रकार है जो भोजन के उपरांत यानी भोजन के बाद किया जाता है जिसको व्याघ्र क्रिया का नाम दिया गया है। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति जो है कुंजन क्रिया का अभ्यास करते हैं परंतु किसी प्रकार के रोग होने की स्थिति में या फिर आपका भोजन के बाद अगर वह भोजन नहीं पचता है तो उस स्थिति में या रोगी की स्थिति में आपको व्याघ्र क्रिया करनी चाहिए। तो इसके विषय में वह कहते हैं कि आमाशय को स्वच्छ करते हुए विकार रहित बनाती है, कफ पित्त क्लेद को बाहर निकालती है, अजीर्ण अम्ल पित्त में लाभकारी है, उसके साथ साथ दमा के रोगी को कफ का विरेचन होने के कारण विशिष्ट रूप से लाभ बताया गया है। और इसके साथ साथ वह बताते हैं कि नमकीन गुनगुना पानी जो है स्वच्छ होना चाहिए, आपके हाथ के नाखून पूरे अच्छे से कटे होने चाहिए, और इसके अलावा जो हार्निया या फिर कमर दर्द से पीड़ित है उस स्थिति में या फिर उस साधक को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जानते हैं वस्त्र धोती के विषय में, तो इसके विषय में वह कहते हैं कि चार अंगुल चौड़ा सूती वस्त्र व 3 से 4 मीटर लंबा साफ सूती वस्त्र लेकर उसे एक सर्वप्रथम गिलास या कटोरी में रखते हुए उसे धो लेना चाहिए, उसके पश्चात उसको नरम बनाते हुए धीरे धीरे आपको उस कपड़े को निगलना है और बीच बीच में आपको क्या करना है जल अवश्य पीना है जिससे आपको क्या है उस कपड़े को निगलने में सहायता मिले। विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे चबाते हुए ही उस कपड़े को आपको निगलना है जिससे आपकी लार जो है उसमें मिक्स हो, अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। तो धीरे धीरे निगलते हुए उसको अंत में धीरे धीरे बाहर की तरफ खींच लेना है। इसके लाभ के विषय में वह कहते हैं कि कफ और क्लेद का निष्कासन होता है, दमा के रोगियों के लिए विशिष्ट रूप से या फिर रामबाण यह इलाज बताया गया है। इसके अलावा चर्म रोग में विशेष रूप से लाभकारी है, या उदरगत व्याधियां दूर होती है और जठराग्नि की भी प्रदीप्ति होती है। सावधानी के रूप में वह कहते हैं कि यह एक अत्यंत कठिन क्रिया है, इसीलिए किसी योग शिक्षक के निर्देशन में ही इस क्रिया को करना चाहिए। और वस्त्र धोती करते हुए अगर आपको 5 मिनट से अधिक का समय लग जाए तो उसको तुरंत ही आपको धीरे धीरे बाहर निकाल देना है, क्योंकि अगर आप इससे अधिक समय तक आप उस वस्त्र को अपने मुंह में या पेट में रखते हैं तो वह आंतों की ओर जाने लगता है जिससे आपका जो वो वस्त्र है आपकी आंतों में फंस सकता है। तो इसीलिए इसको विशेष निर्देशन में करने की सलाह दी गई है। अंत में बात करते हैं अंत में और अंतिम धोती जो है मूल शोधन। मूल अर्थात शरीर का मूल भाग यानी कि गुदा मार्ग की सफाई। महर्षि घेरण कहते हैं कि हल्दी की नरम जड़ से या फिर अनामिका उंगली में घी लगाते हुए गुदा क्षेत्र की सफाई करने को उन्होंने मूल शोधन का नाम दिया है। इसके लिए उन्होंने हल्दी की नरम जड़ का उपयोग इसलिए बताया है क्योंकि हल्दी रोगाणु रोधक भी होती है, जिससे अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई परेशानी इस क्रिया के दौरान होती है तो आपका वो हल्दी की जड़ जो है आपको एंटीबायोटिक होती है, तो इससे वह आपको हेल्प करेगी। तो इसके लिए वह कहते हैं कि उत्सर्जन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज की क्रिया में बहुत ज्यादा लाभकारी अभ्यास है। इस धोती से पाचन संस्थान से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें विशिष्ट रूप से लाभ मिलता है। सावधानी के रूप में वह कहते हैं कि आपके हाथों के अगर आप हाथ का की उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी उंगलियों के नाखून जो है अच्छी तरह से कटे होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो बवासीर के जो रोगी हैं उनको
उंगली को मूल प्रदेश में डालते हुए बेहद ही सावधानी बरतनी चाहिए और इसको भी किसी विशेष योग शिक्षक के निर्देशन में ही करने सलाह दी गई है। तो इस प्रकार महर्षि घेरण ने घेरण संहिता के अंतर्गत कुल 13 प्रकार की धोतियों का वर्णन हमको देखने को मिलता है, जिसके विषय में आज हमने इस लेक्चर में जाना। अगला जो हमारा विषय रहेगा उसमें हम षटकर्मों के अंतर्गत अन्य जो क्रियाएं हैं उसके विषय में जानेंगे। धन्यवाद।